मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर लंबा गांव में 4.74 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस योजना का लाभ 6 गांवों की 208 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री विपिन सिंह परमार, महेंद्र सिंह ठाकुर, सरवीन चौधरी, विधायक रविंदर रवि धीमान, विधायक मुल्कराज प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि बुजुर्गों की बेहतरी के लिए बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा कम करके 80 से 70 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चेताया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है और क्या नहीं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार में पुलिस के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ था, उसे भी भाजपा सरकार बहाल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और आगे भी कोई नहीं होगी। हमने गरीबी को नजदीकी से जिया है और पड़ोसियों के बच्चों की किताबें लेकर पढ़ाई की है। गरीबी क्या है ये कोई हमसे क्या पूछेगा। भाजपा की सरकार गरीबी को समर्पित है और किसी गरीब को पीछे नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोटलुक क्षेत्र में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा 5 पंचायतों में 8 करोड़ की पेयजल योजनाओं को लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा जयसिंहपुर में हारसी पत्तन तक सड़क निर्माण को दोबारा बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिवनगर कॉलेज के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की और अगर को और पैसा खर्च होगा उसका समाधान किया जाएगा। जयसिंहपुर में HRTC का सब डिपो और बस अड्डा बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में हुई धांधलियों की जल्द जांच शुरू करवाई जाएगी। जो भी गलत कार्य हुआ है उनकी जांच उचित मापदंडों के अनुसार जल्द शुरू होगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत आज अति दयनीय है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप तैयार कर सुधार की ओर कदम उठाया है। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने जल्दबाजी में कई निर्णय लिए हैं जो व्यावहारिक नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार प्लानिंग के साथ कार्य करेगी। ऐसे कई निर्णयों की समीक्षा कर पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय रद्द किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार अविश्वास के माहौल को खत्म किया जाएगा। टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 108 और 102 की हालत को देखकर अभी तक निर्णय लिया गया है कि जो भी गाड़ियां खराब हैं उनकी मेंटेनेंस करवाई जाएगी और नई गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। जहां तक व्यवस्था की बात है उस पर भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जयराम ने कहा कि इस मामले में विचार किया जा रहा है। तो उनको द्वारा सर्वोन्नत करने के लिए सरकार की कोई पहल की है अभी? मुझे लगता कि वो सारा जो है जो उन्होंने किया, जो लोगों को सड़क की सुविधा जिस प्रकार से मिलनी चाहिए उस पर उन्होंने चिंतन नहीं किया, लेकिन अपने जो है वो एक्साइज पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, उसमें रेवेन्यू हमको कम हो जाएगा उस बात को ध्यान में रखते हुए, उन सारी चीजों के लिए वो बहुत जल्दबाजी में जो निर्णय लिया उसके कारण उन सड़कों का रखरखाव, उन सड़कों को संचालन किस प्रकार से ठीक प्रकार से हो, उन सारी चीजों की चिंता किए बिना जल्दबाजी में वो निर्णय लिया। और हम उनको उस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम उन सड़कों को ठीक से मेंटेन करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने किया वो उसका जो उन्होंने किया वो ठीक उचित तरीका नहीं। सर मोटा मोटी कुछ प्लानिंग्स बता दीजिए सरकार की, क्या प्लानिंग्स है, किस पर काम चल रहा है ज्यादा? हालांकि चलिए ठीक है अभी एक महीना 4 दिन हुए हैं और जिस तरह से आपने पत्रकारों पर आरोप भी लगाया एक तरह से कि पत्रकार पूछते हैं एक महीने में क्या कर दिया, ठीक है अभी वक्त देना चाहिए सरकार को, लेकिन मोटा मोटी सर प्लानिंग क्या है? लेकिन देखिए बहुत चीजों को हम प्लानिंग को आप सबके सामने रखते जाएंगे जी सर, हमारा काम लोगों के बीच में आएगा और वो दिखेगा। अंतर आप महसूस कर रहे हैं, एक अविश्वास का माहौल जो है प्रशासन के प्रति, हमारे पुलिस प्रशासन के प्रति जो एक खड़ा हुआ था उसमें तब्दीली, लोग महसूस कर रहे हैं कि आम जनता की सरकार है, ये रिटायर्ड और टायर्ड लोगों की सरकार नहीं है। हम अधिकांश देख रहे हैं, पिछला ग्राम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं कि
बहुत बड़ी तादाद में जो निर्णय लिए गए वो मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं थी, निर्णय जानकारी का अभाव इस कारण से कि भाई वो जो नजदीक रखे हुए लोग थे वही निर्णय करते थे, वही सरकार को चला रहे थे और उस कारण से हिमाचल का हित उसमें नहीं हुआ है, नुकसान बहुत जगह हुआ है। उन्होंने सारी चीजों को अलग तरीके से करने की कोशिश की। सर चुनाव से पहले एक भू माप